गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका मैथ का प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में आज हम जियो बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जियो बोर्ड क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप ये जो देख रहे हैं ये एक जियो बोर्ड है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से स्क्वायर बोर्ड पे पेग्स लगे हुए होते हैं। तो ये आपका एक जियो बोर्ड है, ठीक है। तो जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड आर स्क्वायर बोर्ड दैट हैव पेग्स टू विच स्टूडेंट अटैच रबड़ बैंड टू फॉर्म वेरियस शेप। तो आप देख रहे हैं ना, ये रबड़ लगी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम रबड़ अटैच करके इसमें बहुत सारी शेप्स को बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ रबड़, ठीक है। इससे हमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है ज्योमेट्री के बारे में, कि ज्योमेट्री में क्या डिफरेंट शेप्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, डिफरेंट अदर पॉलीगॉन शेप्स जो होती हैं उनके बारे में हमें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलता है ज्योमेट्री का, ठीक है। इसे किसने इन्वेंट किया था, जो जियो बोर्ड है इसको इन्वेंट किया था सैलब गेटेगनो ने, ठीक है। तो आप इस पे बहुत सारी इसी तरह शेप रबड़ बैंड से बना के देख सकते हैं। आप जियो बोर्ड को अपने घर पे भी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड और ये पैग्स जो लगे हैं उनकी हेल्प से अपने घर पे भी एक जियो बोर्ड आप बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं आप इसमें आपको कुछ शेप्स बना के दिखाती हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर बना के देखते हैं। तो देखिए मैंने ये इससे रबड़ बैंड से स्क्वायर बना दिया। अब देखो मैं इसको रेक्टेंगल बना देती हूं, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह आप बहुत सारी शेप विद द हेल्प ऑफ रबड़ बैंड ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं और शेप्स को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।